नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागढ़ी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तरुण। तरुण का ट्विटर हैंडल है स्टार बॉय, जो कि बहुत वायरल रहा है। बड़े से बड़े राष्ट्रवादी हों, चाहे मिस्टर सिन्हा हो जिन्होंने अकेले मालदीव्स की लंका लगा दी, ऋषि बाकरी हों या फिर भीखू मात्रे हों जिनके रोज जो काफी जाने जाते हैं अपने ट्वीट्स के लिए, सब के सब इनको फॉलो करते हैं, इनको लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया हुआ है, इनके ट्वीट्स को स्प्रेड आउट करते हैं, बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, बट नॉनदीलेस इनकी जो रिसर्च है इमैक्युलेट है, इम्पेकेबल है एंड वेरी डिटेल्ड है। इससे पहले कि तरुण को मैं पास ऑन करूं, मैं कुछ चीज बताना चाहूंगी। 250 साल पहले तकरीबन बहुत सारी सिविलाइजेशंस होती थी, हजारों सिविलाइजेशन थी, रियासतें थी, सबके अपने अपने कल्चर्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, एथिक्स, लैंग्वेज, डायलेक्ट, फूड हैबिट्स, बहुत कुछ अलग था, बहुत मतलब एक बहुत डाइवर्सिटी थी, छोटी छोटी करके पूरी दुनिया भर में स्प्रेड आउट थी। ये जो डाइवर्सिटी थी ये धीरे धीरे सिंप्लीफाई होती गई, और जब ये डाइवर्सिटी थी पैरेलली एक प्रोसेस चल रहा था जिसकी किसी को भनक नहीं लगी। कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे क्या बोलेंगे फोर्सेस थी जो इस डाइवर्सिटी को पसंद नहीं करती थी, जो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहती थी, अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल मैन्युपुलेट करना चाहती थी, पैसे कमाना चाहती थी, कंज्यूमरिज्म लाना चाहती थी। इस तरीके का एक उन्होंने इस चीज को हासिल करने के लिए बहुत सारे फोर्सेस को अनलीश किया जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। वो जो 250 साल पहले प्रोसेस चला था अब उसने स्पीड पकड़ ली, क्यों? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी है, लोगों को मैनिपुलेट करना, बरगलाना बहुत आसान है। अब उस चीज ने एकदम से, जिसको बोलते हैं ना धीरे धीरे जो चल रहा था, वो एक्सेलरेटर का बटन दब गया है और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये जो हम जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया 250 साल पहले से लेके अभी तक, जब हमारे पास 195 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड है, हमारे पास कई कल्चर्स हैं, बहुत सारे अफ्रीका में बहुत सारे कल्चर्स हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, साउथ ईस्ट एशिया में है, इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। इसको जो हम मैंने पीछे डिस्क्राइब किया, दैट इज कॉल्ड द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। हम अब एक्सेलरेटर दबा चुके हैं और हम जा रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। कौन सी ये फोर्सेस हैं जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ खींच रही हैं, और कौन है वो लोग पीछे बैठकर जो इसको चला रहे हैं, जो इसमें फ्यूल डाल रहे हैं, फायर डाल रहे हैं, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। तरुण, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी नमस्ते टू एवरीवन, थैंक यू गायत्री। गायत्री आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, आई थिंक आपने एक जो पूरा आइडिया है वो एक्सप्लेन कर दिया। आपने ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर एक्सप्लेन किया कि जो एक डिफरेंट सिविलाइजेशन बेस्ड जो हमारा ऑर्डर था, जो कि पिछले हजारों सालों से चला आ रहा है, जो आज भी है, अभी भी हम लोग ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर में ही हैं। लेकिन आपने बताया कि कैसे एक ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर से हम लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, और अभी 2024 में जब हम लोग बैठे हैं तो उन लोगों ने एक्सेलरेटर पे पांव दबा दिया है और बहुत तेजी से हम लोग ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। आपने बताया कि कैसे आज से 250 साल पहले तक हजारों से हमारे पास कल्चर्स थी, सिविलाइजेशन थी, लेकिन वो धीरे धीरे एक होते होते अब 195 कंट्रीज रह गई है, और ये 195 कंट्री भी फ्यूचर में नहीं रहेगी। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसमें क्या होगा वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, और हर किसी को जानना चाहिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खतरनाक क्यों है। तो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जो आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, जो कि बेसिकली सिविलाइजेशन बेस्ड ऑर्डर है, कल्चर बेस्ड ऑर्डर है, जहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, अलग अलग फूड हैबिट्स फॉलो करते हैं, उनके अलग अलग ट्रेडिशंस है, अलग अलग रिलीजन्स है, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा तो वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये जब आप ये स्लाइड देखोगे तो फिर आपको मालूम चलेगा कि हम लोग कितने बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जिसकी तरफ हम लोग एक एक्सेलरेटर पे पांव दबा के बहुत ही तेज स्पीड से बढ़ रहे हैं, उसमें सिर्फ एक कंट्री होगी दुनिया में। अभी 195 कंट्रीज है तो पूरी दुनिया एक कंट्री होगी, पूरी दुनिया में सिर्फ एक सरकार होगी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी, पूरी दुनिया में सिर्फ एक आर्मी होगी, पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही राजा होगा, एक प्रेसिडेंट होगा। और ये जो सबसे खतरनाक चीज जो सुन के कि हम सबके कान खड़े हो जाने चाहिए, कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म होगा, और वो धर्म ना हिंदू होगा, ना क्रिश्चियनिटी होगा, ना जुडाइज्म होगा, ना इस्लाम होगा, वो कौन सा धर्म होगा हम लोग बात करेंगे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान होगा, वो भगवान भी जो भी हम पूरी दुनिया में जो लोग पूजा करते हैं वो भगवान नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, वो भी कौन होगा तो उसकी भी हम लोग करेंगे। तो जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया था
कि बेसिकली ये लड़ाई है कंट्रोल करने की, जहाँ पे बहुत सारी कल्चर्स है, बहुत सारी सिविलाइजेशन है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इंडिया को बोलोगे कि आप इंडिया, फ्रांस, पाकिस्तान, श्रीलंका सब एक हो जाए, इंडिया पाकिस्तान एक नहीं हो सकता, लेकिन आपने पूरी दुनिया में सारी सिविलाइजेशन खत्म कर दी। पूरी दुनिया में जब एक ही धर्म होगा तो दुनिया इजीली आपस में एक हो जाएगी। तो ये जो लड़ाई है, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया, लड़ाई है कंट्रोल की, पूरी दुनिया को कंट्रोल करना, पूरी दुनिया के पैसे को कंट्रोल करना, पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को कंट्रोल करना और पूरी मानव जाति को अपना बंधक बनाना। अब हमने ये डिस्कस किया कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर से हम लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं और अभी हम लोग ट्रांजिशन स्टेज में हैं। अभी ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा कैसे? एक जो आपने पहले एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें वो दो एक डायग्राम था रेड एंड ब्लू कलर का, हाँ ये वाली, तो इसमें आप देखिए कि ये जो ब्लू कलर में है ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो कि हजारों सालों से चला आ रहा है और आज भी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कि आने वाला है, कब आएगा? हो सकता है अगले 5 साल में आ जाए, हो सकता है अगले 10 साल में आ जाए। वो आएगा कैसे? वो आएगा थ्रू मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म एक ऐसा टूल है इनके पास। मैं जब इनकी बात कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिन्हें आप लोग डीप स्टेट के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उनको एलाइट्स बोलते हैं, उनको कबाल बोलते हैं। उनका नाम क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन इस दुनिया में 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो पर्दे के पीछे पूरी दुनिया चला रहे हैं। वो लोग मार्क्सिज्म को यूज करेंगे और मार्क्सिज्म को यूज करके ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आएंगे। तो ये मार्क्सिज्म में तीन इंपॉर्टेंट थिंकर हुए हैं, हेगल, कार्ल मार्क्स और एंटोनियो। तो ये जो डीप स्टेट वाले जो लोग हैं, जो एलाइट्स हैं, इन लोगों ने क्या किया, इन तीनों की थ्योरी को निचोड़ा और तीनों की थ्योरी को निचोड़ के एक अपनी थ्योरी बनाई। बहुत बेसिकली अब एक्सप्लेन करूंगा। हेगल जो है, हेगल ने एक थ्योरी दी थी जिसे थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस बोलते हैं। हेगल का सिंपली बोलना है कि हम सब लोगों को एक दिमाग में एक आइडिया होता है, एक आइडिया, एक ओपिनियन बोल लो, एक अपनी राय बोल लो, जो कि सब में एक होती है, लेकिन उसकी एक एंटी आइडिया, एक एंटी ओपिनियन आता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है जिससे एक नया आइडिया आता है और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। ऐसे हम लोगों का थॉट प्रोसेस आगे बढ़ता है, एक सोचते हैं, उसका उल्टा सोचते हैं, फिर एक नया सोचते हैं। कार्ल मार्क्स ने बेसिकली क्या किया, ये जो आइडिया था इसी को थोड़ा सा और ज्यादा रिफाइन कर दिया ऑन द व्यू ऑफ मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। उसने बोला कि पूरी दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, सिर्फ दो टाइप के लोग, एक वो जो कि ऑपरेशंस जिसको उसने नाम दिया, जो लोगों का अत्याचार करते हैं, जो लोगों को कंट्रोल करते हैं, और दूसरे वो जिनके ऊपर अत्याचार होता है। आपने ये पीड़ित, शोषित, वंचित काफी सुना होगा, तो ये दो टाइप के लोग होते हैं। कार्ल मार्क्स का बोलना था कि ये जो ऑपरेस्ड हैं, एक टाइम ऐसा आएगा ये ऑपरेशंस के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। बेसिकली ऑपरेसर हो गया थीसिस, ऑपरेस्ड हो गया एंटीथीसिस, इन दोनों के बीच में एक वायलेंट क्लैश होगा। उस वायलेंट क्लैश से ये जो दोनों के बीच में जो एक जो डिफरेंस है, जो अत्याचार करने वाले, अत्याचार सहने वाले, वो खत्म हो जाएगा और एक नई सोसाइटी बनेगी जिसे उसने नाम दिया था कम्युनिज्म, जिसमें सब लोग बराबर होंगे, ना कोई बड़ा होगा, ना कोई छोटा होगा, ना कोई अत्याचार करने वाला होगा, ना कोई अत्याचार सहने वाला होगा। ये मार्क्स का आइडिया था और मार्क्स ने बोला ऐसा होगा अगले 50-100 सालों में ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअल में गायत्री जी ऐसा हुआ नहीं। अगर आप देखें, कार्ल मार्क्स ने थ्योरी 1848 में दी थी, 1848 से लेकर 1930 तक पूरी दुनिया में सिर्फ एक रशिया ऐसा देश था जहां पर ऐसा वाकई में हुआ, तो इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो हो नहीं पाया। तो जो तीसरा थिंकर था एंटोनियो, इसने इसका एनालिसिस किया, इसने कहा ये हुआ क्यों नहीं, इसने कि इसलिए नहीं हुआ कि ये जो ऑपरेस्ड हैं, जो ऑपरेसर्स हैं, जो कि पावरफुल लोग हैं, जो लोगों पर अत्याचार करते हैं, इनके कब्जे में मीडिया, एजुकेशन एंड कल्चर है। तो जब तक ये तीनों इनके कब्जे में है, तब तक वो जो ऑपरेस्ड है, जिस पर अत्याचार हो रहा है, वो कभी विद्रोह कर नहीं पाएगा, क्योंकि एक जो गरीब आदमी है उसको कल्चर मिल रही है, अपने मंदिर जा सकता है, भगवान की पूजा कर सकता है, वो उसमें खुश हो जाएगा। तो उसने कहा कि हम लोगों को वो कम्युनिज्म स्टेट लाने के लिए, दोनों के बीच में बराबर लाने के लिए, हम लोगों को मीडिया, एजुकेशन एंड कल्चर, इन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके थ्रू हम लोग जो ऑपरेस्ड है इनको एम्पावर करेंगे और फिर जो वायलेंट क्लेस जो कि मार्क्स ने बोली थी वो होगा और उसके बाद में वो इक्वल सोसाइटी आएगी। ये आइडिया था एंटोनियो का।
और आपने देखा होगा कि पिछले 100 सालों में हम लोग जनरली सब लोग बात करते हैं कि जो एजुकेशन मीडिया एंड कल्चर इस पर लेफ्ट का कब्जा है पूरे वर्ल्ड वाइड, चाहे आप इंडिया में चले जाओ, चाहे आप यूरोप में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, इन्होंने पूरी एजुकेशन मीडिया और कल्चर पे कब्जा कर रखा है। अब यहाँ पे ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ऑप्रेसर है कौन और ऑप्रेस्ड है कौन, ये भी उन्होंने खुद ने डिफाइन कर दिए अपने हिसाब से, पूरी दुनिया में हर जगह का लेके उन्होंने अपने आप से डिफाइन कर दिया। अब उनके अकॉर्डिंग जो वाइट्स हैं यूरोप में, अमेरिका में, वो है ऑप्रेसर, वाइट्स ने लोगों पर अत्याचार किए हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ब्राह्मण को डिक्लेयर कर दिया ब्राह्मण जो है ऑप्रेसर है, जबकि कश्मीर में तो बेचारे ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ था। उनका मेल जो है, जो हमारी एक सोसाइटी पैट्रियार्की की है, तो मेल्स ने जो फीमेल्स के ऊपर अत्याचार किए तो मेल को उन्होंने डाल दिया ऑप्रेसर्स में। और उनका आगे की थोड़ी देखो, उनका जो जो हेटरोसेक्सुअल है, जो हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर चला आ रहा है जिसमें मेल एंड फीमेल मिलके प्रोक्रिएशन करते हैं, सोसाइटी फैमिली बनाते हैं, और तो जो हेटरोसेक्सुअल है ये भी ऑपरेसर्स हैं, क्योंकि होमोसेक्सुअल्स है ये उनको ऑपरेशन करते हैं। अब उन्होंने ऑपरेस्ड किसको डिक्लेयर किया, उन्होंने बोला दुनिया में जितने भी ब्लैक्स हैं सारे ऑपरेस्ड हैं, इन पर अत्याचार हुआ है, चलो हुआ होगा मान लेते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या, उन्होंने मुस्लिम को भी डिक्लेयर कर दिया ऑपरेस्ड, कि मुस्लिम दुनिया में जितने भी हैं वो ऑपरेस्ड हैं। अब मुस्लिम किस एंगल से ऑपरेस्ड हैं ये सिर्फ वो लोग ही बता सकते हैं। दलित अपने इंडिया में जो हमारे जो दलित भाई बहन हैं, दलित ऑपरेस्ड है, ये भी उनकी एक अपनी बनाई हुई थ्योरी है। मैं इसमें फीमेल्स लिखना भूल गया, फीमेल्स जितनी भी हैं पूरी दुनिया में वो ऑपरेस्ड है, होमोसेक्सुअल्स जो हैं वो ऑपरेस्ड है। तो ये कोई ऐसी जरूरी नहीं कि चाह रही हो, इनकी रोज की नई कैटेगरीज बनती रहती है, जिसको मन है उसको ऑपरेशन में डाल देते हैं, जिसको मन है ऑपरेशन में डाल देते हैं। तो अभी जो हमने डिस्कस किया था थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस, तो ये जो ऑपरेसर्स हैं जिनकी हम लोग बात करें, जो वाइट है, जो ब्राह्मीण है, जो मेल है, ये है थीसिस। जिन पे अत्याचार हुआ है, जो कि फीमेल है, होमोसेक्सुअल है, मुस्लिम है, ये है एंटीथीसिस। तो इनका बोलना कि इन दोनों के बीच में एक वायलेंट क्लैश होगा, और नहीं होगा तो हम लोगों को वायलेंट क्लैश करवाना है। कैसे करवाना है, एंटीथीसिस को पावरफुल करके मुस्लिम्स को पावर दो, ब्लैक्स को पावर दो, फीमेल्स को पावर दो, ऐसे रूल्स बनाओ कि वो पावरफुल हो। थीसिस मतलब जो एग्जिस्टिंग है, एंटीथीसिस मतलब उसको उल्टा करना, और सिंथेसिस मतलब एक नया लेकर आना, जहां पे ये कि बहुत ही ड्रीमी ख्याल के साथ जी रहे हैं, बहुत ही क्या बोलते हैं, एक यूटोपियन बोलते हैं, मतलब एक इमेजिनरी डील के साथ, कि जहां पर सोसाइटी ऐसी होगी जहां कहीं ऑप्रेस्ड होगा, ऑप्रेसर होगा, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, ना कोई मेल होगा ना कोई फीमेल होगा, मतलब इस तरीके की एक यूटोपियन सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है एक्चुअल में। जब सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी, कोई कोई अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई फीमेल होगा, कोई मेल होगा, तो वो पूरा मतलब एकदम क्या बोलते हैं, समतल कर देना चाहते हैं सोसाइटी को, होमोजीनियस कर देना चाहते हैं हर तरीके से, राइट? हमने जो डिस्कस किया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे आएगा जो इनकी जो प्लानिंग है। इनका मानना है कि अभी जो अगर हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इनके हिसाब से जो ब्राह्मण है वो थीसिस है, क्योंकि ब्राह्मण ने जो है वो अत्याचार किए। जो दलित और मुस्लिम है वो आते हैं एंटीथीसिस के अंदर। तो इनका मानना है कि जो ब्राह्मीण है और दलित और मुस्लिम, इनके बीच में एक वायलेंट क्लैश होगा, उसके बाद में एक ऐसी सोसाइटी आएगी जिसमें ना कोई ब्राह्मीण होगा ना कोई दलित होगा, जिसमें ना पुरुष शक्तिशाली होगा ना महिला कमजोर होगी, जिसमें सब लोग बराबर होंगे, वो सिंथेसिस है। तो हमने जहाँ से स्टार्टिंग की थी, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो दिस इज थीसिस, और जो ऑपरेस्ड है वो है एंटीथीसिस, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर थीसिस है, अभी जो चल रहा है ये जो ट्रांजिशन है वो एंटीथीसिस है, मतलब कि ऑपरेसर्स को, जो ऑपरेस्ड वाले लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा वो इनका सिंथेसिस है, राइट? एग्जैक्टली खत्म करने के लिए, नए सिंथेसिस का क्रिएट करने के लिए। तो एक जो मार्क्सिस्ट की एक जो स्लाइड है वो आप लेंगे तो काफी चीजें क्लियर हो जाएगी उससे, कि कैसे ये लोग एंटीथीसिस जो इन्होंने खुद ने बनाया है। एक और जो स्लाइड है मार्क्सिज्म की,
जिसमें सारे वो पॉइंट्स हैं हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन लोगों ने क्लासिफाई कर दिया ऑप्रेसर कौन है ऑप्रेस्ड कौन है. फिर इन लोगों ने ये भी बोल दिया कि जो ऑप्रेस्ड है हमें उन लोगों को पावरफुल करना पड़ेगा उनको वीपनाइज करना पड़ेगा ताकि वो ऑप्रेस जो है जो ऑप्रेसर हैं अत्याचार करने वाले उनसे उनका क्लैश हो और एक युद्ध हो दोनों के बीच में और सब समतल हो जाए. तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो आपको इन सब का फिर मतलब समझ में आ जाएगा. एक ब्लैक लाइफ मैटर जो कि अमेरिका में चला था चलाया गया जिसमें उन्होंने प्रो ब्लैक जो है रूल्स बनाए रेगुलेशंस बनाए और उनको सारी पावर दी. फेमिनिज्म मूवमेंट चला क्योंकि उनका मानना है कि जो पुरुष है वो अत्याचार करने वाले हैं जो महिला है वो ऑप्रेस्ड है तो इसलिए फेमिनिस्ट लॉ बनाए. तो हमारे जो इंडिया में एक जो निर्भया एक्ट बना था 2013 में जिसमें सारे ये जो लेफ्टिस्ट जो थे उसको ड्राफ्ट करने में ये इसीलिए बनाए गए. इमिग्रेशन जो एक बहुत अभी यूरोप के अंदर और अमेरिका में चल रहा है इनका ये बोलना है कि हम लोगों ने जो कॉलोनियन जो हैं कॉलोनियन माइंडसेट वाले जो यूरोपियंस हैं हम लोगों ने सालों साल जो अरब कंट्रीज है अफ्रीकन कंट्रीज है इनका बहुत हम लोगों ने अत्याचार किया तो अब इन लोगों को यूरोप में आने दो और इन लोगों को इनका अत्याचार करने दो. तो इसलिए इन्होंने इमिग्रेशन लॉज बनाए और अपने सारे बॉर्डर्स खोल दिए. तो आपने देखो होगा कि पूरा जो फ्रांस है वो अफ्रीकन जो इमिग्रेंट्स है अफ्रीकन और अरब इमिग्रेंट्स उनसे पूरा भर चुका है. इस्लामोफोबिया इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनके अकॉर्डिंग मुस्लिम जो है वो बेसिकली ऑप्रेस्ड है. अब ये किस एंगल से इन्होंने बनाया ये मुझे भी कभी समझ भी नहीं आया. बेसिकली इससे ये क्लियर होता है कि इन लोगों को असल में ऑप्रेसर ऑप्रेसर कोई मतलब ही नहीं जो इनका पर्पस सॉल्व कर सके. मुस्लिम इनके प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन्होंने मुस्लिम को उसमें रख दिया ऑप्रेस की कैटेगरी में. तो उसके लिए उन्होंने ये बनाया इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया के अंदर. आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका सीनेट के अंदर ये बकायदा एक रूल बनने वाला था जिसमें इस्लामोफोबिया को पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ये लोग बैन करने वाले थे और कोई भी कंट्री जो इस्लामोफोबिया को प्रमोट करती है उसमें ये लोग फंडिंग उसमें इन्वेस्टमेंट रोकने वाले थे उसके सेंक्शंस रोकने वाले थे. लेकिन वो रूल पास हो नहीं पाया. वो रूल आज भी एग्जिस्टिंग है सीनेट में अटका हुआ है. तो ऐसे ऐसे इन लोगों ने रूल बनाए थे. इंडिया में जो मूवमेंट चला न्यू अम्बेडकर राइट्स का मैं जो ओल्ड अम्बेडकर राइट्स है उसको इसमें शामिल नहीं करूंगा. एक नया मूवमेंट चला है जिसमें आपने देखा होगा कि ब्राह्मणों को गाली देना उनके ऊपर अटैक करना उनके बारे में एकदम अनाप शनाप बोलना ये सारा जो पार्ट है ये इसी मूवमेंट का पार्ट है. क्योंकि इनका जो मानना है कि वही ब्राह्मणों ने अत्याचार किए तो ब्राह्मण इज ए थीसिस दलित है एंटीथीसिस है एंटीथीसिस को मजबूत करो तो ब्राह्मण दलित के बीच में युद्ध करवाओ और एक स्टेज ऐसी है जहाँ पे ना कोई ब्राह्मण हो ना दलित हो जहाँ पे सब कुछ जातीय वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाए. तो ये इन्होंने इंडिया में किया. ऐसा कैसा एलजीबीटी की जो मूवमेंट है जिसमें लोगों को मानना है कि जो हमारे जो हेटरोसेक्सुअल्स है जो कि हमारा जो ओल्ड सिविलाइजेशन जो चला आ रहा है ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें मेल होता है फीमेल होती है फैमिली सिस्टम हमारा जो है ये बोला ये भी एक जो है ये अत्याचार करते हैं लोग जो बेचारे एलजीबीटीक्यू है इन पर अत्याचार हो रहे हैं तो इनको स्ट्रेंथन करो. तो पूरी दुनिया में एक एलजीबीटीक्यू मूवमेंट चल रहा है इन लोगों के लिए रूल्स बन रहे हैं. प्राइड एक मंथ जो इन लोगों ने स्टार्ट किया है वो चल रहा है. अब गायत्री जी मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको भी आश्चर्य होगा जान के. इनका यह मानना है कि भगवान भी ऑपरेसर है कि भगवान ने भी अत्याचार किए हैं. ये मेरे ख्याल से आपको भी ऐसी आएगी. ये बेसिकली एक जो क्या कह रहे हो भगवान भी ऑपरेसर है तो मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं राक्षसों पे अत्याचार हुआ तो अब राक्षस की पूजा की जाएगी. उनको बोला कि आप जो है एक नॉलेज ऑफ ट्री था उस पर एक फल लगा था इस फल को कभी मत खाना और आप लोग हमेशा रहोगे. उनकी आंखें बंद थी वो रहे. फिर बाद में शैतान आया. शैतान ने आके ईव को कन्विंस कर दिया कि तुम ये फल खा लो. ईव ने वो फल खा लिया. फल खाते ही जो था उनकी आंखें खुल गई और वहां से उन्होंने एक दूसरे को देखा वो नेकेड है. वहां से फिर एक वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हुआ. तो भगवान ने उनको श्राप भी दिया. ये कहानी
बाइबल में भी है, कुरान में भी है, और जो हिब्रू जो ज्यूस की जो हिब्रू बाइबल उसमें भी है। इन लोगों का मानना है कि भगवान बेसिकली एडम और ईव के ऊपर अत्याचार कर रहा था, शैतान ने आके उनको मुक्ति दी, जो सैटन का जो इसमें कॉन्सेप्ट है। तो भगवान को भी ये लोग ऑपरेशनल मानते हैं। तो बेसिकली जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि पूरी दुनिया में वन रिलीजन होगा, वो रिलीजन भी ये लोग फाइनल कर चुके हैं, वो रिलीजन होगा सैटनिज्म। ना हिंदुइज्म होगा, ना क्रिश्चियनिटी होगा, ना जूडाइज्म होगा, ना इस्लाम होगा, सैटनिज्म इनका ग्लोबल रिलीजन होगा। और ये लोग पूजा करेंगे लूसीफायर की, जो कि सैटन का जो गुरु है। तो ये बेसिकली प्लान है। अगर ये अगर आप देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ये अगर बेसिक थ्योरी आपको समझ में आ गई, मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है, ये सारे मार्क्सिज्म के पार्ट हैं, फेमिनिज्म, ब्लैक लाइव मैटर, इमिग्रेशन, इस्लामोफोबिया। तो आपने देखोगे जो दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, इनके जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, वो ऐसे कानून बनाते क्यों हैं जो कि इनको सपोर्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली रीजन यही है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आना है। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा कैसे? वो ऐसे आएगा जब जो एंटीथीसिस है, जो ऑप्रेस्ड है, जिन पर अत्याचार हुए हैं, इनको स्ट्रेंथन करो, इनको पावरफुल करो, आपस में इनका क्लैश करवाओ और फिर बाद में समतल कर दो। दैट इज द प्लान। ये एग्जैक्टली इनका पूरा प्लान है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने का। सो दिस, अगर हम बात करें फेमिनिज्म की, एनवायरमेंटलिज्म की, ये जितने भी वो हैं, ये सारे हथियार हैं डीप स्टेट के दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, और जो ट्रांजिशन पीरियड है फ्रॉम ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, सारी सिविलाइजेशंस को खत्म करके, अब भारत सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन रह गया, बाकी सारी तो खत्म ही है ऑलमोस्ट, राइट, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाए जहां पर सब कुछ इनके हिसाब से हो, इनकी मर्जी का हो। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पूरे यूरोप के अंदर जो इन्होंने जो रूल्स बनाए हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि एक लड़की का, आई थिंक कुछ इमिग्रेंट्स थे, उन्होंने लड़की का रेप करने की कोशिश की, जर्मनी की शायद घटना थी। तो उस लड़की ने अपने सेल्फ डिफेंस में एक जो पेपर स्प्रे होता है जो कि वहाँ पे लेडीज रखती है, उस पेपर स्प्रे से उसके ऊपर अटैक कर दिया। पेपर स्प्रे जो मुंह पे होता है उसमें एक, हाँ ये वाली डेनिस गर्ल, डेनमार्क की शायद ये न्यूज है। तो उसने एक जो इमिग्रेंट था, 17 ईयर ओल्ड लड़की थी, उसके रैप करने की कोशिश की, तो उसने वो पेपर स्प्रे से अटैक कर दिया। तो मालूम इन लोगों ने क्या किया, जो इमिग्रेंट था उसको टच भी नहीं किया, लड़की को पकड़ के जेल में डाल दिया कि वो आपका रैप करे तो करने दो, बिकॉज वो ऑप्रेस्ड है। तो इनकी जो थ्योरी है, हाँ, जो इमिग्रेंट है वो ऑप्रेस्ड है। तो उनकी जो थ्योरी है कि जो भी बॉर्न है, जैसे जो भी इंडिया में जो भी वाइट ब्राह्मण पैदा हुआ है, वो पैदा होती वो ऑप्रेसर्स में आ गया, जो वाइट पैदा हुआ पैदा होती ऑप्रेसर्स की कैटेगरी में आ गया, ये सब के सब जो ऑप्रेसर्स हैं। मुस्लिम्स जो हैं, ब्लैक्स हैं, ये पैदा होती ऑप्रेस्ड बन गए। तो इसलिए ऑप्रेस्ड जो है, ऑप्रेस्ड को आपने 5,000-10,000 साल तक इनका शोषण किया, अब थोड़ा सा शोषण इनको भी करने दो। और ये जब आपका ऊपर शोषण कर लेंगे, जब हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, जब तो सब बराबर हो जाएंगे, तब ना कोई ब्लैक होगा, ना व्हाइट होगा, ना मेल फीमेल में, ना कोई बड़ा होगा, ना कोई छोटा होगा, ये सब बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए पूरी दुनिया में ये लोग ऐसे रूल बना रहे हैं। अब देखिए कितने ये लोग पागल है ऐसे ऐसे रूल बनाने, पूरी जो एक सोसाइटी, जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो चला आ रहा है, उसको खत्म करने की साजिश है, बहुत ही वायलेंट साजिश है और बहुत ही खतरनाक साजिश है ये। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा जो पूरी दुनिया में जो घटनाएं हो रही है वो क्यों हो रही है। और एक काफी एक मतलब दुख की चीज है कि जितने भी जो स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी इनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, वो सारे इनके पपेट्स हैं। हमने ब्रिटेन में देख लिया, हमने फ्रांस में देख लिया, यूरोप की हर कंट्री में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, सारे इनके पपेट्स हैं। ऊपर से ऑर्डर आता है, ऐसी पॉलिसीज बनाओ, ऐसे रूल्स बनाओ जो कि ऑप्रेस्ड है, जो कि इनका एंटीथीसिस है, उनको स्ट्रेंथन करो, उससे वापस उनके ऊपर अत्याचार करवाओ ताकि धरती समतल हो जाए। फिर एंड में कैसा आएगा, जब ब्राह्मण खुद बोल दे भाई हमें जाति प्रथा नहीं चाहिए, वर्ण व्यवस्था नहीं चाहिए, सबको बराबर कर दो, उसको इतना परेशान करो, इतना अत्याचार करो, एक महिला से पुरुष के ऊपर इतना अत्याचार करवाओ कि वो खुद ही बोल दे कि भाई ना मैं बड़ा, ना तू बड़ी, अपन सब बराबर। ये इनका एग्जैक्टली प्लान है। तो वो जब आ जाएगा तो दुनिया में सब बराबर हो जाएंगे, महिला भी बराबर होगी, पुरुष भी बराबर होगा, वाइट भी बराबर होगा, ब्लैक भी बराबर होगा, ब्राह्मण भी बराबर होंगे, दलित भी बराबर होंगे, सब बराबर होंगे, सब अपनी आइडेंटिटी छोड़ देंगे। क्या इस आइडेंटिटी की वजह से सब कुछ हो रहा है, हम ये आइडेंटिटी छोड़ देते हैं।
वो होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, जिसमें एक ही देश होगा, एक ही कल्चर होगी, एक ही रिलीजन होगा, एक ही भगवान जो कि बेसिकली इनका शैतान होगा वही होगा. दैट इज द एंटायर गेम प्लान. राइट, बिल्कुल. लेट्स सी कितना कामयाब होते हैं ये लोग. फेमिनिज्म, अब तो काउंटर फेमिनिज्म भी चल पड़ा है. लोग फेमिनिज्म में नहीं, वुमन एम्पावरमेंट में बिलीव कर रहे हैं. जब लोग एनवायरमेंटलिज्म की बात कर रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रहा है, जब आपको डेवलप होना था तब एनवायरमेंटलिज्म तेल लेने गया, अब जब हमारे डेवलप होने की बारी आई तो एनवायरमेंटलिज्म का के नाम की फेविकोल हमारे मुंह पर चिपकाने की कोशिश कर रहे हो. इसी तरीके से एलजीबीटी कम्युनिटी, वी हैव सिंपथीज फॉर लॉट ऑफ पीपल जो बॉर्न ट्रांसजेंडर्स है, वो नहीं जो लड़की से लड़का और लड़का से लड़की बनना चाहते हैं, उनके साथ सिंपथीज हैं, बिकॉज उनके साथ नेचर में जो हुआ सो हुआ. मतलब एक गलत चीज हुई तो उसका उन्हें ऑब्वियसली एक वो है, क्या बोलोगे, नुकसान है, या उनके साथ सिंपथीज हैं, बायोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ उनके साथ में. बट उस चीज को यूज कर वेपनाइजिंग विक्टिमहुड जिसको हम कहते हैं, उनके विक्टिमहुड को वेपनाइज करके एक यू नो एक चर्निंग लेकर आना, नेगेटिविटी लेकर आना, एक मास मूवमेंट लाने की कोशिश करना, जिन लोगों ने आपको नहीं भी गलत किया उन लोगों को भी शेम करना, उन लोगों को भी शर्मिंदा करना, देखते हैं कब तक चलेगा, क्या लोग जागेंगे. लग तो रहा है काउंटर वेव शुरू हो चुकी है. अगर आप और हम बात करें तो इसका मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं. क्या ये सभी सिविलाइजेशन खत्म कर वन कंट्री, वन नेशन, वन इकोनॉमी, वन गॉड, वन रिलीजन, वन पासपोर्ट पर कामयाब होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा. एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गायत्री जी, अगर आपका टाइम अलाउ करे तो. हम इसको रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि हमने काफी एक नेगेटिव जो एक आई थिंक और क्रिएट कर दिया है कि ऐसा होने वाला, अब इसको रोके कैसे. तो इन लोगों की, जैसे कि हम लोगों ने एक स्लाइड में डिस्कस किया था कि ये हो नहीं रहा था 1930 तक, ये लोग सक्सेसफुल नहीं हुए थे, ओनली रशिया में सक्सेसफुल हुए थे. 1930 में जो एंटोनियो, जो इनका थर्ड थिंकर आया था, उसने एक आइडिया दिया कि एजुकेशन, मीडिया और कल्चर पे कंट्रोल कर दो तो हो जाएगा. और एग्जैक्टली इन्होंने वही किया, और एग्जैक्टली इन्होंने जैसा प्लान किया था वो हुआ. उसको अगर रोकना है तो हम लोगों को अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा एजुकेशन सिस्टम इनके कंट्रोल में. अगर हम लोग कैसे करके अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो इनसे फ्री करवा ले, हम लोग मार्क्सिज्म जो है, जो कि हमारी हर किताब में भरा हुआ है, मीडिया में भरा हुआ है, उस मार्क्सिज्म को उठा के अगर डस्टबिन में फेंक दे तो हम इसको रोक सकते हैं. तो मैं हमारे जितने भी ऑडियंस है सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अवेयरनेस क्रिएट करे और अपनी अपनी गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे कि हम लोगों को मार्क्सिज्म नहीं चाहिए. हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है हमको वो चाहिए, साइंस को साइंस रहने दो, जो मैथ्स को मैथ्स रहने दो, और उसके साथ में जो ट्रेडिशनल जो हम लोग, हमारा जो एजुकेशन हुआ करती थी, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हमारे पास वेदा, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इतना अच्छा नॉलेज सिस्टम है, उसको आप ऐड कीजिए. जो इसका जो कार्ट है वो यही है, मार्क्सिज्म का जो कार्ट है, जो मार्क्सिज्म नाम का एक जहर हमारे बीच में आ गया है. साइंस भी पढ़नी चाहिए, मैथ्स भी पढ़ना चाहिए, लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, उसके साथ में हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, भगवद गीता, महाभारत एंड रामायण मस्ट बी इन CBSE क्यूरिकुलम, और अमेरिका यूरोप में जो बाइबल है उनके होनी चाहिए, तभी हम इस मार्क्सिज्म को रोक सकते हैं. मार्क्सिज्म को कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए. दुनिया में कई कंट्री कर भी दी है, जैसे रशिया ने काफी अच्छा किया है अंडर पुतिन, इन्होंने कम्प्लीटली मार्क्सिज्म को बैन कर दिया है, जितनी भी आइडियोलॉजीज है इनको कम्प्लीटली बैन कर रखा है. तो ऐसा ऐसा अगर इंडिया में हो तो हम इसको रोक सकते हैं. जी बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच तरुण फॉर ज्वाइनिंग. तरुण का ट्विटर हैंडल वैसे मुझे जानने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी डाल दूंगी. और मेरा ट्विटर है गायत्री TAM. मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं. इनका भी टेलीग्राम चैनल है एजेंडा बस्टर के नाम से, जो ये ट्विटर पे नहीं डाल सकते ना खुराफाती वाली चीजें, ये उठाकर उधर डालते हैं क्योंकि टेलीग्राम पे रिस्ट्रिक्शंस कम है. ट्विटर तो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. और अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो UPI स्ट्रीम के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. जय श्री राम.